अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम आपके सामने एक ऐसे कद्र सहाबी का तारुफ पेश कर रहे हैं जिन्हें कई अतबार से रसूल का काब हासिल था और आपका शुमार उन सहाबाई के नाम रज़ील में होता है जिन्हें इस्लाम कबूल करने में सबकत हासिल है आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फूफी जात भाई थे ये इस तरह कि इनकी वालिदा उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रिश्ता में फूफी लगती हैं है। और आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नस्बती भाई होने का शरफ़ हासिल है क्योंकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हजूर सल्हसम की जोजय मतहरा थीं। ये वो पहले खुशनसीब शख्स हैं जिनके हाथ में पहली मर्तबा इस्लाम का परचम थमाया गया और इन्हें ये अजमत भी हासिल है कि सबसे पहले इन्हें अमीरुल अमीरमिन के लक़ से पुकारा गया यह अजीमरतबी हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तू हैं हजूर सल्ल वसम अभी खुफ़िया अंदाज़ में इस्लाम की दावत पेश करने के लिए दार अरकम में तशरीफ़ फरमा हुए थे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश मुशर्र इस्लाम हो गए लिहाजा आपको इस्लाम कबूल करने में सबकत हासिल है जब रसूल सल्हली व्म ने कुरैश की ईज़ा रसानियों की बिना पर अपने जानसार सहाब कराम रजील को हिजरत करके मदीन मनवरा चले जाने की इजाज़त मरहमत फरमाई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रजील् तालो महाजरीन की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर थे और हजरत अबूसलमा रजील्ल्ला तहो सर फहरिस्त थे हिजरत करना यानी राह खुदा में अपना घर और वतन छोड़ना हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजील् तालों के लिए कोई अनोखी बात ना थी ये और इनके बाद करीबी रिश्तेदार इससे पहले हबशा की तरफ हिजरत कर चुके थे लेकिन इस दफ़ा हिजरत का प्रोग्राम पहले की नस्बत वसी पैमाने पर था इसलिए कि तमाम अहल खाना अज़ीज़ रिश्तेदार मर्द वन बूढ़े जवान और बच्चे सभी इस हिजरत में आपके हमरा ही थे क्योंकि ये पूरा घराना ही मुसलमान हो चुका था जब ये ख़ानदान मकई छोड़ कर मदीन मनवरा रवाना हुआ तो इनके घरों में वीरानी फैल गई ऐसे मालूम हो रहा था जैसा कि इन घरों में कभी कोई शख्स आबाद ही ना हुआ हो हजरत अब्दुल्ला बिन जहाँ रजील्ला और इनके साथियों को हिजरत किए अभी ज़्यादा अरसा न गुजरा था कि कुरैश मक्ई मज़मा में चक्कर लगाने लगे ताकि ये मालूम कर सकें कि मुसलमानों में से किन लोगों ने हिजरत का रास्ता इख्तियार किया है और कौन कौन यहाँ आबाद हैं ये मुआयना करने वालों में अबू जहल और उतबा बिन रबिया भी थे उतबा ने बन जहश के घरों को देखा कि तेज़ हवाएं उनमें गर्दो गुबार उड़ा रही हैं और दरवाजे खड़खड़ा रही हैं और ये घर वीरान पड़े अपने मकीनों को तरस रहे हैं अबू जहल ने कहा ये कैसे लोग हैं कि इन्हें अपने घरों की भी कोई परवाह नहीं अबू जहल ने तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी तन्ों के खूबसूरत और आलिशान घर पर कब्ज़ा जमा लिया और उसमें बाकायदा रिहाइश इख्तियार कर ली जब हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह को इस बात का इल्म हुआ कि मेरे घर में अबू जहल रिहायश पजीर है तो इन्हें बड़ा अफसोस हुआ रसूल सल्लासम की खिदमत में इस बात का तस्करा किया आपकी परेशानी को देखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब्दुल्ला क्या तुम्हें यह बात पसंद नहीं कि अल्लाह ताला जन्नत में तेरे लिए एक ख़ूबसूरत घर बना दे अर्ज़ की क्यों नहीं या सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम आपने फरमाया जन्नत में तेरा घर बन चुका है ये बात सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह तहो बहुत खुश हुए हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह तहों को यके बाद दीगरे दो हिजरतों के बाद अभी मदीना में करार मिला ही था और कुरैश के हाथों बेपनाह अजियत उठाने के बाद अनसार की व हमदर्दी में अभी थोड़ी सी राहत महसूस हुई थी कि इन्हें अचानक अपनी ज़िंदगी के कठिन इम्तहान और तलख तजुर्बे से गुजरना पड़ा इस तलख दास्तान को ज़रा ग़ौर से सुने पहली मरतबा रसूल सल्लाम ने जिन आठ सहाब कराम पर मुशतमिल काफिला को फ़ौजी मुहिम पर रवानगी के लिए तैयार किया इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन जश रजी अल्लाह और साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तहो भी थे आपने मुजाहिदीन के इस काफ़िला कोर्शाद फरमाया आज मैं तुम्हारा अमीर एक ऐसे शख्स को मुकरर करता हूँ जो तुम में सबसे ज़्यादा भूख प्यास को बर्दाश्त करने वाला है फिर परचम हज़रत अब्दुल्ला बिन जहाँ रजील तहों के हाथ में थमा दिया ये तारीख़ इस्लाम की वो पहली शख्सियत हैं जिन्हें सबसे पहले अहले इस्लाम के एक फ़ौजी दस्ते का अमीर मुकर किया गया रसूल्ला वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जश रजील् तालों को इस सफ़र के लिए हिदायत दी और एक खत देकर उन्हें मुहिम पर रवाना कर दिया और इरशाद फरमाया कि वो दो दिन का सफ़र तय करने के बाद इस खत को खोलें जब इन्हें सफ़र में दो दिन गुजर गए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रजील् तहों ने ख़त को खोल कर पढ़ा उस यह तहरीर था जब तुम मेरे इस खत को पढ़ो तो आगे चलते चले जाना जब ताइफ और मक्का के दरमियान एक नखलस्तान आए तो वहाँ पड़ाव डाल देना और यहाँ बैठ कर क्रैश पर कड़ी निगाह रखना और जो भी सूरत हाल हो हमें उससे आगाह रखना जब हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रजील् तहोंने आप सल्लाम का ख़त पढ़ लिया तो अपने साथियों से कहा के रसूल आलिहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं नखलिस्तान में पहुँच कर कुरैश पर कड़ी निगाह रखूँ और सूरत हाल से आपको मुसलसल आगाह करता रहूँ जो आप में से शहादत की तमन्ना रखता है वो मेरे साथ चले और जिसे शहादत का शौक़ नहीं वो बड़ी ख़ुशी से वापस जा सकता है मुझे किसी पर कोई एतराज़ ना होगा इस फौजी दस्ते के हर फर्द ने यह कहा हम तो आपके साथ वहीं जाएंगे जहां पर आपको जाने का हुक्म दिया गया है सब मुजाहिद एक साथ आगे बढ़े यहां तक के नखलिस्तान तक पहुंच गए और हर तरफ रास्तों में फैल गए ताकि कुरेश की हरकत का पता चला सकें गश्त के दौरान उन्होंने चार अफराद पर मुश्तमिल ताजरों का एक काफिला देखा जिसमें अमर बिन हजरमी हकम बिन कहसान उस्मान बिन अब्दुल्ला और मुगैर शामिल थे और उनके पास कुरैश का माल तजारत वाफिर मकदार में था मुजाहिद आपस में मशवरा करने लगे कि अब क्या करें यह हरमत के महीनों का आखिरी दिन है अगर हम इन्हें कत्ल कर दें तो यह हरमत का महीना है इस महीना में किसी का खून बहाना दुरुस्त नहीं और फिर इससे तमाम अरबों में बेचैनी फैल जाएगी अगर हमने इन्हें कुछ मोहलत दे दी तो ये शाम तक हरम की हदूद में दाखिल हो जाएंगे और इस तरह ये हमसे बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे काफ़ी गौरव फिक्र के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए और जो कुछ इनके कब्जा में है उसे काबू कर लिया जाए यह फैसला करते ही उस तजारती काफिला पर हमला कर दिया उनमें से एक को कत्ल कर दिया दो को गिरफ्तार कर लिया और चौथा भाग निकलने में कामयाब हो गया हज़रत अब्दुल्ला बिन जहाश रजी अल्लाह त और उनके साथ ही दोनों कैदियों और सामान से लदे हुए ऊँट हाँक कर मदीना ले आए जब ये काफ़िला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आपने इनकी इस कार्रवाई को नापसंद किया और इनसे कहा मैंने तो आपको इस कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया था मैंने तो तुम्हें सिर्फ़ ये हुक्म दिया था कि कुरैश की नकल हरकत पर निगाह रखें और उनकी खुफ़िया कार्रवाई से हमें मुतला करते रहें दोनों कैदियों को तो आप आलिहि वसल्लम ने अपने पास ठहराए रखा ताकि इनके मुतालिक कोई मुनासिब फ़ैसला कर सकें और सामान में से किसी चीज़ को हाथ ना लगाया रसूल आलिहि वसल्लम के तेवर देख कर हज़रत अब्दुल्लह बिन जहश रजी अल्ला और इनके साथ ही हवास बाख्ता हो गए और इन्हें इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि हम तो आप सल्हस के उदूली करके हलाक हो गए और मज़ीद तकलीफ़ दह सूरत हाल ये पैदा हुई कि तमाम सहाबाक राम रजील ने इनसे बायकाट कर दिया जो भी सामने आता मुँह फेर कर गुज़र जाता सबकी ज़ुबान पर यही कलमा था ये वो अश हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का हुक्म नहीं माना उस वक्त तो इनकी परेशानी की कोई इंतहा ना रही जब इन्हें यह मालूम हुआ कि कुरैश इस वाक़ को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से बदला लेने के लिए अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं और तमाम कबाइल में ये प्रोपिगंडा कर रहे हैं कि मोहम्मद आलिहि वसल्लम ने हुरमत के महीने को हलाल करार दे दिया है इसमें उन्होंने नाहक खून बहाया माल छीना बेगुनाहों को गिरफ़्तार किया हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश रजी अल्लाह तन और इनके साथ ही बेपना गमोंद में मुबला हो गए और इन्हें शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि हम ये इकदाम करके बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार हो गए हैं एक दिन ये गमोंदद और परेशानी की तस्वीर बने बैठे थे कि अचानक एक शख्स ने इन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि अल्लाह इज़्ज़त ने तुम्हें बरी कर दिया है अल्लाह ताला तुम्हारे इस कारनामे पर राज़ी हो गया और इस सिलसिले में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल कर दिया है ये ख़बर सुनकर वो ख़ुशी से उछल पड़े और अब ये हाल है कि तमाम सहाबिक राम रज़ील ख़ुशी से इनके गले मिल रहे हैं और इन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं और इनकी आयत की तिलावत कर रहे हैं जो इनके हक में कुरान मजीद में नाजिल हुई थी इनकी बरियत के सिलसिला में कुरान मजीद में ये आयत नाजिल हुई आपसे लोग पूछते हैं कि माह हराम में लड़ना कैसा है कहो इसमें लड़ना बहुत बुरा है लेकिन अल्लाह की राह से लोगों को रोकना और अल्लाह से कुफ्र करना और मस्जिद हराम का रास्ता बंद करना और हरम के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी बुरा है और फितना ख़ून रेज़ी से शदीद तर है जब ये आयात करीमा नाजिल हुई, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम बहुत ज़्यादा खुश हुए माल तिजारत बतौर फ़िदिया कब्ज़ा में लेकर क़ैदियों को आज़ाद कर दिया और हज़रत अब बिन जहश रजील् तुन के साथियों की हौसला अफज़ाई की इसे तारीख इस्लाम का सबसे पहला मारका करार दिया जा सकता है यही वो मारका है जिसमें माल गनीमत हासिल किया गया इसमें मुसलमानों के हाथों पहला मशरक कत्ल हुआ और इसमें सबसे पहले दो दुश्मन गिरफ्तार हुए इस्लामी तारीख़ में यह पहला परचम है जिसे रसूल आलिहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से तैयार करके अमीर काफ़िला के हाथ में दिया और हज़रत अब्दुल्ला बिन जश रजी अल्लाह तहु वो अज़ीम शख्सियत हैं जिन्हें पहली मरतबा अमीरमिन के लक़ से पुकारा गया हजरत अब्दुल्ला बिन जश ने मैदान बदर में भी काराय नुमाया सर अंजाम दिए लेकिन उहद में तो आपने कमाल कर दिया हज़रत सद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तहु एक नाकबिल फरामोश वाक़ बयान करते हैं कि जब उहद शुरू हुई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जहाश रज़ी मुझे मिले और फरमाया क्या तुम अल्लाह ताला से कोई दुआ नहीं करोगे मैंने अर्ज़ की क्यों नहीं हम एक गोशे में अलग हो गए और मैंने अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ की इलाही जब मैं दुश्मन के सामने आऊँ तो मुझे ऐसे शख्स से पंजा आजमाई का मौका देना जो बड़ा ही बहादुर और जंगजू हो और इंतहाई गसैैल हो मैं उससे लड़ूँ और वो मुझसे लड़े फिर मुझे उस पर गलबा अता करना यहाँ तक कि मैं उसे कत्ल कर दूँ और उसके सारे माल पर कब्जा कर लूँ हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रजी अल्लाह तू ने मेरी दुआ पर आमीन कही फिर अल्लाह ताला के हुजूर खुद ये दुआ मांगने लगे इलाही मुझे ऐसे शख्स से मुकाबले की तौफीक अता फरमा जो इंतहाई गसैैल बहादुर तजुर्बाकार और जंगजू हो फकत तेरी रज़ा के लिए मैं उससे लड़ूँ फिर वह मुझे काबू करने में कामयाब हो जाए और मेरी नाक और कान काट डाले जब मैं इसी हालत में क़्यामत के दिन तेरे हुजूर पेश हूँ तो आपका मुझसे ये सवाल हो अब्दुल्ला किस लिए तेरी नाक और कान काटे गए तो मैं तेरे हजूर अर्ज करूँ खुदाया तेरी रजा की खातिर और आपकी तरफ़ से मुझे ये जवाब मिले तो बिल्कुल सच कहता है हज़रत सात बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तहु फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लह बिन जहश रजी अल्लाह तहों की दुआ मेरी दुआ से बहुत बेहतर थी और अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया मैंने सर शाम देखा कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है और दुश्मनों ने उनकी नाक और कान काट कर एक दरख्त के साथ लटकाए हुए हैं अल्लाह ताली ने हज़रत अब्दुल्लह बिन जहश रजी अल्लाह तालों की दुआ कबूल कर ली और उन्हें शहादत का शरफ़ अता किया जैसा कि उनके मामू सैयदु शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रजी अल्लाह तहों को शहादत का एज़ाज़ बख्शा गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मामू और भांजे को एक ही कब्र में दफन किया और आपके पाकीज़ा आंसू उनकी कब्र को सैराब कर रहे थे और भीनी भीनी खुशबू फैल रही थी अल्लाह ताला की उन पर हज़ारा रहमतें हों आमीन या रब्बालमी